देखो मेरा व्यू ये होता है और मेरा बैक साइड में ये होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं हम अपनी। आज दिल्ली में जो पारा है भाई बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत सही हवा, ठंडी हवा जिसे कहते हैं वो चल रही है। आई डोंट नो व्हाई लग रहा है पारा बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि देखो ऐसा है कि जो मौसम है उसको पता होता है नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करता रहता है। हालांकि कई दोस्त मेरे, कोई ओली निकल गया, कोई मनाली निकल गया, पर अब उन्हें स्नोफॉल नहीं मिल रही भाई। और तुम्हें अगर स्नोफॉल वाले मेरे व्लॉग देखने हैं, देखो मैं गया था नवंबर में, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना मेरे मनाली के व्लॉग और देख के बताना भाई कैसे लगी मेरी ट्रिप। मैं मनाली गया था नवंबर में और अमूमन जनवरी में कहीं और जाऊँगा, उसकी भी व्लॉगिंग आएगी और वो मेरे दूसरे चैनल पर आती है, उस चैनल का नाम है अनमोल, उसे सब्सक्राइब करना और यहाँ हमारे साथ जुड़े रहना। तो बहुत अच्छी तरह के प्याज दिए हैं इन्होंने को, ठीक है, भर के। चटनी इनकी ऐसी होती है, रंग थोड़ा हल्का होता है, स्वाद देखते हैं आज कैसा है। और शराब हमारे पास वाइट एंड ब्लू का एक क्वार्टर जो दिल्ली में हो गया 120 का, जब हम पीते थे तो 100 का मिल जाता था, 20 रुपये बढ़ गए हैं लॉकडाउन और मोदी जी के दूसरी सत्र के बाद। बहरा डेरा बस्सी बहुत साफ साफ लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और एल्को ब्रू डिस्टिलर्स हैं इनके, 120 रुपये का हमें दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके शहर में ये कितने की है हमें ज़रूर बताना, और अगर आपको ये ब्रांड के बारे में पता है तो फिर क्या ही दिक्कत है। अब आप सोच रहे होंगे मैं खाने के लिए क्या लाया हूँ, क्योंकि देखो ब्रांड का नाम तो हमें वीडियो में लिखना पड़ता है, पर खाने का नाम हमने नहीं लिखा है, वो मैं बताता हूँ आपको, सब्र करें आप। मैं ज़रा प्याज खोल लूँ, ये पॉलीथीन वगैरह सब साफ़ करके जाता हूँ मैं भाई ज़्यादातर, अगर ज़्यादा ना चढ़ी हो तो। ये देखना पूरी प्याज की खोल दे दी भाई ने हमें, तो आज भाई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज मैं लाया हूँ सरदार जी से सामान। याद है ना सरदार जी, जिनके हम आपको दर्शन भी करवाए थे एक बार। ऐसा करेंगे अपने चैनल पर जब थोड़े अच्छे और सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इन सब पे ब्लॉग बनाएंगे जिन भाइयों पे हम खाते थे, जैसे बालाजी के मोमो शास्त्री नगर, और अपने भाई ने भी एक चाप की स्टॉल लगाई है। मतलब मेरे आसपास खाने पीने वाले मेरे दोस्त बहुत हो गए हैं, कोई हलवाई है, कोई ओनर है, कोई खुद बनाता है, बहुत अच्छी बात है। आइए पहला पैक लगाएं, उससे पहले हम दर्शन कराएं आपको कि हम क्या खाने वाले हैं, यू विल लव इट। ये है रुमाली रोटी, रिस्क नहीं ले रहा, ठंडी हो जाएगी। रुमाली रोटी में है कबाब। दोस्तों मेनली हमारा खाना पीना और दुनियादारी से ही हमारा चैनल जो है ग्रो करता है, तो ज़िंदगी भी ऐसे ही ग्रो करती है ना, खाने पीने और दुनियादारी से। भाई अमेजिंग चटनी आज, अमेजिंग सरदार जी, कुडोज है भाई साहब। तो आसपास यहाँ कोई नहीं बनाता भाई ऐसा, और इस रेट में ये आप दो सीखे मेरे को। देखो रेट तो महंगा ही होता है, देखो भाई वो भी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अब 200 रुपये का मुर्गा मिलता है वैसे, ठीक है कच्चा, बट दुकानदार तो भाई थोड़ा तो कमा के आपको रेट लगाएगा ना। तो खाना हमें मिला है इनका 110 रुपये में, 120 रुपये में भी रुमाली रोटी रोल है। और अगर मैं आपको रोल दिखाऊं तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा भाई, बड़े दिनों बाद खा रहा हूं तो फिर से क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सरदार जी खुद बहुत लंबे ब्रेक के बाद आए हैं। इसके बाद लगाएंगे एक पैक वाइट एंड ब्लू विस्की। भाई स्वाद में कोई कमी नहीं, सेम स्वाद, अच्छी क्वालिटी और भरा भरा, आपका पेट बढ़िया कर देगा, स्टफ कर देगा। बाकी बाहर का लिमिट में ही खाए तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे जितना भी स्वाद हो, क्योंकि मेरे भाई मसाले और मैदा तो होती ही है। चलिए जय भैरव की, मेरे साथ पी रहे हैं तो चीयर्स। एक बात ज़रूर याद रखें, पी रहे हैं तो इसके बाद ड्राइव ना करें, ऑटो से, टैक्सी से, ओला से, रिक्शे से घर चले जाए, पर ड्राइव ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। पता है अगर आपकी गलती ना भी हुई और आपने ड्रिंक करी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गलती बना देंगे, इसलिए रिस्क ना लें। एन्जॉय तभी हो सकता है जब हम रिस्क वाला एन्जॉय अलग होता है, बट वो दारू के साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं सोलांग वैली गया था,
जिन ब्लॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन ब्लॉग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना। साथ ही साथ प्रमोशन कर देता हूँ, मैं कितना चलाक बनता हूँ। जैसे मैं सोलांग वैली गया था, वहाँ हमें ना ड्राइव करना था ना कुछ करनी थी, वहाँ हम गए ही एंजॉय करने थे। और भाई ने रॉयल स्टैग ले ली, भाई मैं जो आ रहा है आने दो, आज कोई ब्रांड नहीं देखना। भगवान ने इतना बढ़िया मंजर दिखाया हमें, इतनी अच्छी बर्फ, इतने मोटे मोटे गुत्थे पड़ रहे थे भाई बर्फ के, भारी भारी नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे फूल जैसी बर्फ होती है। कबाब में गया, इन्होंने खुद अंदर कबाब में भी प्याज डाला हुआ है, और ये भी मेरे पास साथ प्याज है। ऐसे खाने में जो मज़ा है ना, देखो ऐसे लगाया, ये लगाई चटनी, अब आएगा मज़ा। पहले क्या था, मैं बहुत ज़्यादा फूली था, अब मैं थोड़ा कंट्रोल में आ गया। नहीं तो भाई जैसे चैलेंजेस होते हैं ना, मैं तो चैलेंजेस कर लूँ खाने के मामले में, मुझे पहले कोई नहीं हरा सकता था, पहले मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, अब भाई उसके मुकाबले मेरी आधी मेहनत भी नहीं है, ये तो सच है। एक बात कह दूँ, देखो सर्दी तो है ही, बट आज वाइट एंड ब्लू बहुत अच्छी लग रही है। एक तो कोई ब्रांड बहुत दिनों बाद पियो तो वो बहुत अच्छा लगता है, और वाइट एंड ब्लू अभी तक बिल्कुल बजट दारू के हिसाब से बहुत बढ़िया, रिकमेंडेड रखता हूँ मैं अपनी लिस्ट में, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ इसको मैं नोट रिकमेंड किया हो। हाँ, मेरा ये होता है कि कभी मैं कुछ लगातार पीने लग जाता हूँ, जैसे चार्ली कभी B7 पीता था, कभी वाइट एंड ब्लू भी पीता था, कभी रॉयल ग्रीन भी पीता था, तो बजट ही ज़्यादा पीते थे क्योंकि हम रेगुलर भी पीते थे, और स्टूडेंट बंदे हैं तो भाई पैसे भी नहीं होते थे। अब क्या, अब जॉब नहीं है तो पैसे अब भी नहीं होते हमारे पास, पर जितने होते हैं थोड़ा बहुत भाई घर वालों से प्यार मोहब्बत से मांग लेते हैं, भाई कोई शर्म तो नहीं। इसका मतलब ये नहीं निठल्ले हो जाओ आप, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बंदे कहते हैं अरे यार पापा से पैसे मांगते हैं बड़ा अजीब लगता है, बहन के लोड़े अपने पापा से मांगा करना, पड़ोसी के पापा से क्यों मांगता है, अपने पापा से पैसे मांगने में क्या अजीब लगता है। हिम्मत रखो, कमा के दो ने आगे जाके, ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, कर लोगे भाई जब करोगे। ये नहीं कह रहा बैंक बैलेंस ही उड़ा दो, अजीब उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि भाई वो मिनिमल नहीं है लोग, उन्हें गाड़ियों पे अलॉय भी लगवाने हैं, गाड़ी भी कोई छोटी मोटी नहीं, सीधा अमेज़ी लेनी है, और ऐसी गाड़ियां नई ले लो तो चलो एक बार काम आ जाए, पुरानी सेकेंड हैंड ले लेते हैं बंदे चौड़बाजी में, वो ठीक कराते कराते गांठ फट जाती है उसको, कभी उसका कुछ ख़राब, कभी उसका कुछ ख़राब। कुत्ते भौंक रहे हैं, सर्दियों में बेचारे कुत्तों की हालत भी बहुत ख़राब है, बट भाई ये बेजुबान है, हमें गुस्सा तो आता है भौंकते हैं तो, बट ये करे तो करे क्या, अब ये क्या है, हमें ईमेल तो कर नहीं सकते, और ना इनके पास यूट्यूब है, ये आपस में लड़ते रहते हैं ठंड में, ठिठुरते रहते हैं, इसलिए हमसे मदद मांगते हैं। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, देखो एक आधे को मैं भी पेल देता हूँ कभी कभी, पर फिर हेल्प भी कर देता हूँ जितनी मुझसे होती है। अब मैं सोच रहा हूँ उनका हाउस बनाऊँ, गद्दा रखूँ, क्या रखूँ कि ये ठंड से बचे रहे। चांद बादलों में छुप चुका है, जी हाँ सीधी आपको रिपोर्टिंग चांद बादलों से छुप चुका है, मेरी छत से लाइव अगर आपको देखना है तो आप ये देख रहे हैं मेरी महफिल। और हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, इंस्टा पे एक ही अकाउंट है, ट्रैवलिंग बोतल या टेक्निकल शराबी, हाथ पकड़ हाथ में क्लास पकड़ा हुआ है, एक ही अकाउंट है भाई। कोई कहता है मेरे नाम से एक आधा अकाउंट और बन गया है, उनको ट्रस्ट मत करना, कोई पैसे वैसे मांग, मैंने किसी से आज तक एक रुपया भी नहीं मांगा, ठीक है यूट्यूब के लिए, और मोनेटाइजेशन भी आपने करवाया है, सपोर्ट भी आप करते हो, और मोर ओवर दारू से ज़्यादा हमारा चैनल एक कम्युनिटी है जो बातें करता है समाज की और समाज से परे की, समाज से दूर होना भी हमें आता है और समाज में रहना भी हमें आता है। ओ भाई मज़ा आ गया, तो रुमाली के साथ रिकमेंडेड है दारू, बट देख के, क्योंकि पेट चोक कर सकती है आपका, हैवी हो जाता है ना।
मैदा होती है, फिर कबाब में भी कुछ मिक्स होता होगा। बट सरदार जी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिनको नहीं पता, भारत नगर का ठेका है, किसी से ही पूछने का, सरदार जी का चिकन पीछे वाले ठेके हैं दो, उसके सामने जहाँ पानी वानी मिलता है उसके सामने जाओगे तो आप सस्ते में जहाँ लोकप्रिय होते हैं वहाँ पे सरदार जी की अपनी दुकान है। मजा आएगा आपको, निराश नहीं करेंगे आपको। अभी तो उन पे आइटम कम है, उन तो शुरू शुरू में तो भाई बादाम क्या, फ्राई क्या, तंदूरी क्या, कबाब क्या, रुमाली रोटी वाले क्या, फिश क्या, सब कुछ रखी हुई थी। अब कह रहे दोबारा से रखूँगा, एक तो लॉकडाउन ने सबकी गांड मार दिया। गाइस आज तो मैं कहूँगा दारू पियो तो वाइट एंड ब्लू, चिकन खाओ तो रुमाली की रोटी के साथ कबाब वाला। सॉरी भाई, खाते वक्त आवाज़ आती है, ये नेचुरल है। अब इतने मैनर्स तो मैं दिखावा नहीं कर सकता, मेरे में इतने मैनर्स नहीं है। अच्छा छोड़िए, चक्का मोहल्ला बढ़िया हो गया, टचवुड, आसपास अब कोई नहीं होता, सबकी ठंड से गांड फट चुकी है, तो कोई शेर जो अपनी महफिलें लगाने आते हैं हमारी तरह वही होते हैं छत पे, आसपास भी, बाकी मेरी छत के आसपास तो कोई नहीं होता, तो मैं कहता तो भाई बढ़िया लगता है। और पादी से हो गया मेरा थोड़ा सा उधार, तो याद, मैं वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को याद रहेगा, वीडियो सुनूंगा तो पाजी का उधार याद दिला देना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं दे दूंगा, ये मुझे पता कितने का उधार है, ज़्यादा का नहीं है, टेंशन मत लो। जो सोचते हैं कि ये बहुत ऑकवर्ड सा इंसान है, सस्ती सस्ती दारू पीता है, भाई कोई नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पीते हम तो बातें करने आते हैं यहाँ पे आपके साथ पीने के लिए, दिखानी होती तो अब तक जैक डेनियल पैक डेनियल सब खोल लेते हैं, बट दिखावा नहीं करेंगे। जिस दिन मन होगा तो अपने अंदाज से इसी छत पे बैठ के पियेंगे, ठीक है, चाहे दो जौन सी दारू हो। न्यू ईयर पे अच्छा प्लान है, न्यू ईयर पे कोशिश करूँगा लाइव महफिल भी लगे, या 31 को लाइव महफिल तो मुश्किल है, देखो छत पे मेरे वाईफाई तो है नहीं और जियो के नेटवर्क इतने खास है नहीं, जियो का किसी के भी नहीं है, 4G के नाम पे लोड़ा जी बना दिया हमारा। क्या कहते हैं जो लोग कहते हैं केजरीवाल फ्री देता रहता है, उनको बता दूं ये जियो की सिम भी फ्री मिली थी पहले, ठीक है, पर केजरीवाल ने फ्री देने के बाद बावजूद ना बिजली का बिल और पानी का बिल लोगों का बचाया हुआ है, तभी वो दिल्ली वालों को सही लगता है। आपके क्षेत्रों में शायद केजरीवाल की अच्छी न्यूज़ ना आती हो, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया तो चुन चुका है गोदी मीडिया द्वारा, मैं को इस ये कहने में कोई शर्म नहीं है भाई, ठीक है। मोदी ने जो अच्छे काम करे होंगे मुझे भी बता दो क्या करे होंगे, 370 तीन तलाक जो भी आप कहते हो, अगर वही काम होते हैं तो, उसके अलावा जो स्थिति है देश की और जो स्थिति अपनी वो बनाए रखते हैं रोज एक नया रूप धारण करके, और नेहरू को लोग अपोज करते थे पर वो खुद क्या कर रहे हैं आईने में नहीं देखते लोग अपने, सारी उम्र एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, मोदी की भी यही कहानी है, पर मोदी बहुत चुस्त और तेज बंदा है भाई। अब लोग कहेंगे भाई मोदी का नाम क्यों ले रहा है, या तेरा क्या मतलब, तू चैन जो दारू पी रहा है अपना खाने का पीने का काम कर, 20 रुपये महंगी हो गई तुम्हारे मोदी के चक्कर में, 90 रुपये पेट्रोल हो गया तुम्हारे मोदी के चक्कर में, पता नहीं कितने रुपए की गैस हो गई तुम्हारे मोदी के चक्कर में, वादे करके आए थे और आके क्या बोलते हैं कि कांग्रेस ने तो ये किया था, कांग्रेस तो ऐसी है, अरे बहन के लोड़ो तभी तो तुम्हें जिताया था, तुम कैसे हो, तुम भी तो वही हो, सब मिले हुए हो ना, बहन जो जनता की गांड मारते हो तुम,
हमारी जनता जिस दिन जाग गई ना, तुम्हारे लोड़े लगा देगी, जैसे थोड़ी बहुत जागी हुई है आंदोलनों में। इसको दूसरा रूप देना बंद करो, सब वो हिंदुस्तानी है, ठीक है ना। हाँ बहन की चूत, मीडिया वीडिया लोड़ा लसन बहन का बोस बहन का। इंडिपेंडेंट रहने की आदत है भाई हमें, इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, इंडिपेंडेंट ही जिए, इंडिपेंडेंट ही बनेंगे। साथ ही एक बात और कहूँ कि भाई हमने आज बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा पानी पिया, बहुत अच्छी सांस ली, बहुत अच्छी नींद आएगी इंशाल्लाह, और हम शुक्र मनाते हैं परमात्मा का कि हमें इतना खाने पीने को मिला आज। जिनको नहीं मिला मैं चाहता हूँ उन्हें भी मिले भाई। दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ आप थोड़े से हाथ पैर हिलाओगे आपको खाने पीने का मिल जाएगा। जो भाई मेरा दिल्ली में रहता है, यहाँ पे भाई फूड शेल्टर भी है अगर आप भूखे हो तो, यहाँ गुरुद्वारे भी है, नहीं तो यहाँ 20 से लेके 50 रुपये में आपका पेट भर सकता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको नहीं ऐसा लगता तो मैं इस पर भी ब्लॉगिंग कर दूंगा, 20 रुपये का खाना भी खा के दिखाऊंगा आपको और 50 का। गौतम गंभीर ने फिलहाल 1 रुपये की थाली वाला सिस्टम लॉन्च किया है, उसका लुफ्त उठाएं, ठीक है। इन पे बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, अगर ये कर रहे हैं तो उसका लुफ्त उठाएं, गरीबों का पेट भरे, गरीब जागरूक हो। सबसे बड़ी बात है कि गरीब गरीब ना रहे, वो ये करने नहीं देते, गरीब को गरीब छोड़ के उनको ऐसे चूतिया बनाते रहते हैं। बट गौतम गंभीर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे वो बंदा बचपन में बहुत पसंद था, बट बाद में मेरे को वो थोड़ा हल्का हो गया वो, क्योंकि उसने हेट स्पीचेस दी, फिर वो बीजेपी में आ गया। बीजेपी क्या है मैं ना, एक ना मानसिकता अलग चल रही है बीजेपी की, ऐसा नहीं है बीजेपी में अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग होंगे, बट गौतम गंभीर भाई कुछ अलग ही लेवल पे, उसको अच्छा बुरा दिखता नहीं शायद, उसको MCD का भ्रष्टाचार तो दिखता नहीं शायद। चलिए खैर, आप ये दिल्ली के लोकल मुद्दे छोड़िए, गौतम गंभीर के साथ मैं लाइव मिला हुआ हूँ, बहुत टाइम रहा भी हुआ हूँ आपको सच बताऊँ तो, छोटा था उस टाइम में, अमित मिश्रा के साथ भी रहा हूँ, सच बताऊँ तो मैं जहीर खान से भी मिला हुआ हूँ, श्रीशांत को भी देखा हुआ है, ईशांत शर्मा से भी मिला हुआ हूँ, विराट को मैंने दूर से देखा हुआ है, पास से नहीं, धोनी से मिला हुआ हूँ, सचिन तेंदुलकर को देखा हुआ है, शिखर धवन से हाथ मिलाया हुआ है। कोई माने ना माने, मेरी रियलिटी मेरे साथ जाएगी। बाकी जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना भाई, सबको देखा हुआ है मैंने। दिल्ली के जो प्रीमियम क्लब्स है ना, रोशनारा रोड वाले, रोशनारा क्लब, या आप किसी भी बड़े 5-star होटल का नाम ले लो, अशोका, ली ग्रैंड, ली मेरिडियन, ये नहीं IPL के वक्त जो मिलते हैं गेस्ट, ऐसे नहीं मिला भाई, मैं जहाँ मिला हूँ आप भी नहीं जानते, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। मज़ा आ गया भाई, जिस तरह की आपको आवाज़ें आ रही है आपको पता है मैं कितने चटकारे लेके खा रहा हूँ आज। मैं आशा करता हूँ हर भूखे की थाली में अन्न हो और उसका पेट भरे, हे परमात्मा उसको इतनी शक्ति दे, हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे अल्लाह, हे गुरु नानक, हे वाहेगुरु, जो भी तुम हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, जो तुम जो भी हो, मुझे इससे लेना देना है यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। जिसने हमें बनाया उससे तो हमें एक ना एक दिन मिलना ही है, बट मैटर ये करता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे इतनी ताकत दे कि मैं औरों का मदद कर सकूं, और मैं और कुछ नहीं कर सकता मैं ज़िंदगी में, सच बताऊं तो पैसा भी फ़ानी लगता है, झूठा लगता है, रिश्ते भी झूठे लगते हैं, फ़ानी लगते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा दे मेरे ऊपर वाले, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे कृष्ण, मेरे जीसस, मेरे नानक, मेरे बुद्ध, मेरे महावीर, कोई भी रह गया हो तो माफ़ी, बट मुझे कुछ ऐसा दे कि मैं सबका कुछ कर पाऊँ। अच्छा ये बात तो है कि साईं बाबा ने भी सोचा होगा, ये सब नहीं सोचा होगा, पर इन्हीं लोगों का नाम हमें याद क्यों है, क्योंकि इन्होंने
लीग से हटके कुछ करके दिखाया। फ्रीडम फाइटर भगत सिंह उधम सिंह ही क्यों है, इन्होंने लीग से हटके कुछ करके दिखाया। आप लीग से हटके कुछ करें, मेरा इतना सा उद्देश्य है। हर बंदा अपने आप में डिफरेंट है, मैं डिफरेंट सोच रहा हूँ ना, तो मेरा डिफरेंट अलग है, डिफरेंट भी अलग है, मतलब डिफरेंट भी एक जगह नहीं जाएगा। हम एक जगह ज़रूर जाएंगे मरने के बाद, मुझे नहीं पता एक तरीके से जाएंगे या एक जगह जाएंगे, ये भी बात सही नहीं है, ये एक जगह जाएंगे। पर क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, और इस ग्रह, इस धरती, इस प्लैनेट पे आके हमने जो खाया पिया है, मस्ती की है, और हमारी जो कन्वर्सेशंस होती रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं। और मज़ा आ गया भाई, ऐसी महफिल को मैं भी तरस रहा था, मुझे पता है आप भी तरस रहे थे, छत वाली महफिल। हो सकता है मैं यही न्यू ईयर पर डाल दूँ, अगर न्यू ईयर पर मैं कोई आपको बढ़िया सी दारू ना पिला पाया तो। मुझे पता है लोग चाहते हैं कि मैं वो ऐसे ब्रांड पिलाऊँ जिसमें, जिसका मतलब दबदबा हो। अरे दारू ही होती है भाई, कुछ नहीं होता, बस नाम लिखा होता है। नशा आप में ही होता है, शराब में नहीं होता। अगर आप में वो रिएक्टर नहीं होता ना उस नशे का, रिएक्ट तो आप ही करते हो ना दारू पी के। हाँ ये तो है कि दारू ही रिएक्ट करवाती है, पानी क्यों नहीं करवाता भाई, कईयों को करवा देता है। सबके अपने नशे हैं। सड़कों से गुजरता हूँ कहते हैं वो बेअकल गया, फिर अचानक वो कहते हैं, फिर अचानक वो कहते हैं, किसी की याद से टूटा हुआ तारा था जैसे तैसे संभल गया। तो सबकी समझ में नहीं आता, मैं किसी का एहसान भी नहीं खाता मैं। इंसानों की तो बात छोड़ो, अभिमानों को भी नहीं भाता मैं। और जहां ना हो मेरी ही नहीं किसी और इंसान की भी इज्जत, किसी और बहन की, किसी और गरीब की, किसी और शख्स की भी इज्जत, वहां ज्यादा रुक नहीं पाता। ये शेर मैंने मोल्ड कर दिया, शायरी तो कहीं की कहीं जा सकती है, पर कई बार हम खड़े हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि कई लड़के हैं ना, लड़कियों का बहुत बुरा बोलते हैं, एज अ बॉय मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा बोलते हैं ये तो रंडी है। अरे मैं ऐसे लोगों में ना हमेशा से ही खड़ा होता आया हूँ, और ऐसे लोग ज़्यादा ही मिलेंगे आपको जो ऐसा सीधा बोल देंगे ये तो रंडी है, क्योंकि वो उनसे नहीं पटी या उसने उनसे नंबर शेयर नहीं किया। या वो उनको पा नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसा चलता रहता है, लड़के बोल देते हैं, क्योंकि उन असल में गलती उनकी भी नहीं है, बट वो बोल देते हैं, गलती समाज की है जो भेड़ चाल से चला आ रहा है ना, गलती उनकी है। बट अच्छा मेरे सामने भी ऐसे इंसिडेंट हुए, बंदे बोल देते भाई ये ऐसी है, मैंने उनको कहा भाई तुम तो हर लड़की को रंडी बोल देते हो यार, तुम खुद क्या हो।
अच्छा रंडी और भैनचोद शब्द बंदा कहाँ से सीखता है? भैनचोद शब्द अपने बाप से सीखता है, चाचा से सीखता है, बाहर से तो बहुत कम लोग सीखते हैं। तो फैमिलियों का ज़्यादा दोष है इस समाज में। अपने बच्चों को ना, बच्चे एक्शन देखते हैं भाई। स्कूल में तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ लेंगे, पर जो आपके मुंह से निकलेगा ना उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 2-3 साल आपकी गोदी में रहेगा बच्चा, उससे पहले पेट में रहेगा। तो बच्चा पैदा करना हो ना तो थोड़ा समाज आपसे ही बनना ना, आपके बच्चों से, तो थोड़ा सोच समझ के काम लें। इस दिन खुले में डिस्कशन करेंगे इस बारे में। रही बात सफ़ेद और नीले की, तो यानी वाइट एंड ब्लू की, तो हाईली रिकमेंडेड फॉर बजट लवर्स। अगेन बजट लवर्स, आप ये सुन सुन के पक गए हैं बजट लवर्स। मुझे पता है आप वैलेंटिनो पीना चाहते हैं, फैट 69 देखना चाहते हैं, अन्य चीज़ें देखना चाहते हैं। चलिए करता हूँ कोशिश, और कबाब भी ग्रेट थे, महफिल भी ग्रेट थी। मैं मिलता हूँ नई महफिल में किसी और दिन, न्यू ईयर की महफिल लगे मैं चाहता हूँ अगली बार, और हमारे हाथ में हो ऐसी बिस्किट जिसको देख के आप खुश हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई एम सेइंग इट अगेन। हमारा उद्देश्य किसी को पीना पिलाना नहीं है, ना हम कहते हैं हमें शेयर करो, ना हम कहते हैं हमें लाइक करो। हम तो कहीं भी कहते हैं हमें वॉच मत करो जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, पर पहले से पीते हो तो आई एम फॉर यू। इंडिया में मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता, लोग अकेले हैं। कोई गुजरात से हिमाचल जॉब करने आया, कोई हिमाचल से गुजरात जॉब करने आया, कोई महाराष्ट्र आया, कोई दिल्ली से कहीं गया है, तो वो लोग जो अकेले पड़ जाते हैं उनके लिए मैं हूँ भाई, भाई भाई के रूप में हूँ। और किसी रूप में मुझे मत देखना, मेरे ब्लॉग देख लेना, और मैं मिलता हूँ उससे आप जान जाओगे मैं कैसा बंदा हूँ। मैं मिलता हूँ अगली बार किसी और महफिल में किसी और अंदाज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज ट्रेमिंग बॉटल।